जयराम जी की इस वीडियो में हम आपको कुछ अच्छा ही बताने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आपको ऐसे सवाल बताएंगे आपने रीजनिंग में पूछे जाते हैं, हर प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें तर्क संगत सवाल है, यहाँ पे तर्क संगत, इसमें आपको कौन सा तर्क लगा है ये सवाल यहाँ पर सोच करके बताना। ऐसे आप सवाल आपने देखे होंगे, बहुत से सवाल देखे होंगे जिसको अपन बोलते हैं पजल भी बोलते हैं, चाहे पजल नहीं बोलते तो आप तर्क संगत बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी है आपको इसको करना चाहिए, इसके बराबर कैसे लिखा है, तो इसमें जैसा संबंध है तो इसके साथ ही वैसा संबंध है, यही संबंध लगा के इतना ही हुआ है आंसर। तो आपको जो इसमें सोचने पड़े, दिमाग लगा के बताने पड़े। तो जे सवाल आपने देखे होंगे इनके आंसर कैसे निकाले हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा अच्छा होने जा रहा है, तो वीडियो पूरा देखा हो, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर बताएं हम इस वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे कैसे निकालना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको सोचना है कि यहाँ पर पाँच कैसे आए, आठ में से चार घटा रहा तो पाँच कहाँ से बनता है, आठ में से चार घटा तो चार ही बनता है, यहाँ पे तो पाँच नहीं आ रहा। अगर इनको गुणा भी कर रहा है, 8 × 32 होता है, 32 होता है, अगर इनके गुणा इनके इस अंकन को गुणा कर रहा है तो 3 × 6 हो रहा है, अगर इनके अंकन है जोड़ दो 3 × 2 तो कितने 5, मतलब इतने 5 आ गए। अगर इसमें 5 आ गए ऐसा इन्हें अगर ई में करूँ तो इनमें भी ऐसी कर हुई है, जैसे इन्हें इनको गुणा कर दो 8 × 32, ये के अंकन है जोड़ दो से कितना होगा 5, अंकों का जोड़ दो 5, मतलब ये सब 5 लिखे हुई है तो इन्हें ई संबंध में लगा हुआ है। अगर ऐसे करे हो सही, जैसे इन्हें अपन ई में कर 9 × 27, 27 × 2 जोड़ो के तो 9, मतलब अपन समझ गए कि अगर इनके गुणा कर दो अंक ना जोड़ दो 5, ऐसा भी लिखे तर्क लगा ऐसा संबंध बनाया कि मैं इनको गुणा कर भी से अंक अगर उन्हें जोड़ दो 5 आ गए, ऐसे 9 × 27 और 2 × 7 और 2 जोड़ दो 9 आ गए, मतलब सही है। अब ऐसे ही अपन ई में कर देना 10 × 4 है, अंक ना जोड़ देना कितना आ जाना 40 से 40 में 40 से जोड़ो 0 × 0 = 4 ही आना, तो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाना भाई आपका 4 आ जाना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।